ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है ये 6.4.6। और इसमें दिया है आपको द्विरैखिक रूपांतरण, W इक्वल टू 3z-4 अपॉन में z-1। देखो आप देखेंगे यहाँ ए जेड प्लस बी और दूसरा होता है यहाँ सी जेड प्लस डी। तो ए का मान 3 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है और डी का मान है वो -1। क्या हो रहा है ये ए बी सी डी के मान है। और अब ए बी सी डी के मान है तो इसमें आगे का है कि द्विरैखिक रूपांतरण डब्ल्यू के स्थिर बिंदु तथा सामान्य रूप ज्ञात कीजिए। एक तो क्या है स्थिर बिंदु पूछा है और दूसरा क्या है इसका सामान्य रूप पूछा है। तो अब आप करेंगे क्या इसमें कि जब इसका स्थिर रूप निकालोगे ना तो डब्ल्यू बराबर क्या रख दोगे जेड, जब आप इसका स्थिर बिंदु निकालोगे तो W बराबर जेड रखना होगा, क्योंकि W में और जेड में दोनों मान कैसे होते हैं स्थिर बिंदु के लिए, जेड तल में जो बिंदु होता है वही किस में होता है W तल में, ऐसा आपको हमने बताया स्थिर बिंदु के लिए जिसको कि आप निश्चर बिंदु कहते हैं। स्थिर बिंदु के लिए, स्थिर बिंदु के लिए जेड बराबर W लिखोगे या W बराबर माइक में और चली गई, बहुत बुरा हाल है रोहित। स्थिर बिंदु के लिए जेड इक्वल टू डब्ल्यू रखोगे यहाँ या डब्ल्यू बराबर जेड, तो ये बन जाएगा 3z-4 अपॉन में z-1। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ z² - z इक्वल टू में 3z-4। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा z² एक माइनस का 3z को लेफ्ट में लाओगे तो 4z, और 4 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। इसको आप z-2 का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से z की वैल्यू आएगी 2 2। तो यानी स्थिर बिंदु रहा अपने पास, इस पर जो बिंदु है वो है z = 2। ओके स्थिर बिंदु रहा यहाँ z = 2। अब देखिए इसमें ये तो हो गया स्थिर बिंदु का मान, लेकिन आपसे इसमें एक और बात पूछी है कि इसका सामान्य रूप, और सामान्य रूप के लिए तो पता है आपको कि एक स्थिर बिंदु है, कितना हो एक ही निश्चित बिंदु या स्थिर बिंदु हो तो ये फॉर्मूला काम करता है। अब सामान्य रूप के लिए, अब सामान्य रूप के लिए आपको अल्फा बीटा और इनकी वैल्यू ज्ञात करनी होगी ना। यानी यह बन जाएगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा इक्वल टू a-d। आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू है, a-d करोगे यानी 3 में से d यानी -1 घटाओगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1/2 में आएगा 2c। c की जो वैल्यू है अपने पास वो है अपने पास c की वैल्यू 1, तो यानी 3 और 1 = 4, 4/2 का मतलब 2 हुआ। और ये जो लैम्डा है लैम्डा की वैल्यू बनेगी 2c, c का मान है अपने पास में 1/2 a प्लस d, a में d जोड़ोगे a यानी 3, d का मान 1, तो ये बनेगा 1। तब इसका जो सामान्य रूप होगा, सामान्य रूप तो यह बन जाएगा यहाँ 1/W - α। अल्फा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 1, 1/Z - α, अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं आप, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, अल्फा की वैल्यू 2 है और यहाँ भी अल्फा की वैल्यू 2 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू अपने पास 1। तो ये इसका सामान्य रूप हो गया। ओके सभी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब देखिए इस यूनिट का एंड यही हो जाता है, यह यूनिट क्या है यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके यह यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ कंप्लीट।
अब आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट होगी यहाँ से आगे, और थर्ड यूनिट में आपके लिए समाकलन समझाए जाएंगे। सभी स्क्रीनशॉट लें इस एग्जाम्पल का। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल है, फिर अन्य प्रतिचित्रण जो दे रखे हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, अन्य प्रतिचित्रण में से कुछ भी नहीं करना, ना ही आपको कोई एक्सरसाइज में से कुछ करना है। अब देखिए इसमें यहाँ सम्मिश्र समाकलन एवं कौशी गुणसा प्रमेय यूनिट थर्ड डालेंगे आप सभी। यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड सम्मिश्र समाकलन एवं कौशी गुणसा प्रमेय। तो इसमें आज थोड़ा लिखने का ज़्यादा काम रहेगा और वो समझेंगे आप। मान लीजिए ये कोई चाप है और यह चाप है वो जेड बराबर एक्स टी प्लस आयोटा बाई टी की फॉर्म में है, जहाँ जो टी है, इस टी की जो वैल्यू है वो अल्फा बीटा इंटरवल में से है। तो अल्फा, ये पॉइंट मान लीजिए अल्फा है और लास्ट का जो पॉइंट है वो बीटा है। यहाँ जो टी आ रहा है, इस टी के विभिन्न मानों के संगत जेड के मान मिलेंगे हमें। टी के विभिन्न मानों के संगत जेड के मान मिलेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो इंटरवल अल्फा बीटा है, इस इंटरवल अल्फा बीटा को हम अल्फा इक्वल टू टी जीरो लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी थ्री, जैसे कि आप रीमान समाकलनीयता में पढ़ते थे, लास्ट में टी एन जिसे कि हम बीटा कहें में विभक्त करें। अल्फा बीटा इंटरवल को टी जीरो लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी एन में विभक्त करें, जहाँ ये जो पॉइंट हैं अल्फा बीटा इंटरवल के जो पॉइंट्स हैं, एल्फा इक्वल टू टी जीरो टी वन टी टू टी थ्री टी एन जो कि बीटा है, इन सभी पॉइंट्स को, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो दे रखे हैं इनको क्या है, हम विभाजन कहते हैं, पार्टीशियन जिसे कहें। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 6 जो कि रियल एनालिसिस में आपको पढ़ाया था, वहाँ भी विभाजन पढ़ा था आपने। और इन विभाजन बिंदुओं के द्वारा जो अंतराल बने, केवा उपअंतराल कह दो, तो टी के, इनका जो केवा उपअंतराल होगा वो टी के माइनस वन कॉमा टी के होगा। अब जो ये उपअंतराल है टी के माइनस वन टी के, इसकी लंबाई को अगर हम डेल के कहें, तो ये टी के में से अगर हम टी के माइनस वन को घटा देंगे तो ये इसकी लंबाई होगी केवे उपअंतराल की। और इसमें एक और बात कि जितने भी इसके उपअंतराल बनेंगे टी जीरो टी वन टी वन टी टू टी टू टी थ्री, इन सभी के द्वारा जितने भी उपअंतराल बनेंगे, उन उपअंतरालों में जिस भी उपअंतराल की लंबाई बड़ी होगी उसको नॉर्म ऑफ पी से डिनोट करोगे, अर्थात विभाजन का मानक। क्या कहेंगे उसको, विभाजन का मानक। तो नॉर्म ऑफ ए पार्टीशियन के द्वारा डिनोट करोगे, यानी बोलोगे इसको, पढ़ोगे क्या, नॉर्म ऑफ ए पार्टीशियन डिनोट करोगे नॉर्म पी के द्वारा। नॉर्म पी जो होता है वह है मैक्सिमम ऑफ टी के माइनस वन, जहाँ
के की जो वैल्यू है 1 to n होती है। ओके, के की वैल्यू क्या होती है 1 to n, तो इसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ जिसको अल्फा को हम T0 कह रहे हैं, इस चाप पर T1 पॉइंट, T2 पॉइंट, T3 पॉइंट, T4 पॉइंट, T5 पॉइंट, इस तरह से लास्ट में इसे बीटा जो कि Tn है, इससे पहले Tn-1 होगा, इससे पहले क्या होगा Tn-1। अब देखिए इन पॉइंट्स के साथ में ही यहाँ T1 यानी T0 पॉइंट के संगत अगर हम T की जगह T0 रखें, रखने के बाद में जो भी वैल्यू आई Z की वो मान लीजिए Z0 हो और T1 के संगत Z1 हो, ये Z2 हो, ये Z3 हो, Z4 हो, Z5 हो और यहाँ ये Zn-1 और ये Zn हो। यदि हम T0 को अल्फा कह रहे हैं, ऐसे ही Z0 पॉइंट पर जो वैल्यू है फलन की वो कितनी है ए, और Zn पर जो वैल्यू है वो है कितनी हो बी, कितनी हो बी। तो देखिए जितनी भी लंबाई है ना Z1 से लेकर Z0 से Z1, Z1 से Z2, Z2 से Z3, Z3 से Z4, जितनी भी लंबाइयां हैं इनको अगर हम Z(-1) लिखें और इसका सिग्मा लें K=1 to n, तो यही जो लंबाई है वो चाप की लंबाई होगी यदि इसको लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लें। इसको लिमिट क्या लें, n टेंस टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट लिमिट लगाने पर इनफाइनाइट का मतलब है n टेंस टू इनफाइनाइट का Z0 से Zn तक अर्थात T0 से लेकर के Tn तक इस चाप को अनंत भागों में विभाजित कर दें। अर्थात जब अनंत भागों में विभाजित करोगे तो ये जो पॉइंट है ना T0, T1, T2, ये सब क्या है, बिल्कुल नज़दीक पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना, सभी क्या हो जाएंगे नज़दीक बिंदु। और जब ये सब नज़दीक बिंदु हो जाएंगे तो छोटे छोटे भागों में अगर इनकी लंबाई की बात करेंगे हम, तो ये पूरे चाप की लंबाई होगी, माना कि वह कितनी है चाप की लंबाई एल। एल की जो वैल्यू है वो अनंत से कैसी हो, छोटी हो, यानी एल की वैल्यू है वो इनफाइनाइट नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में हम इस चाप को चापकर्णीय पढ़ते हैं। ये जो वक्र है Z=XT+IωT, इसका जो चाप बनेगा उसे चापकर्णीयता के नाम से जानेंगे। ओके, और इसमें स्मॉल एल जो है उसे वक्र की लंबाई कहते हैं। अब देखिए अगर हम ये कहें कि इसका जो योग है, ये जो योग है ना ये एक बहुत बड़ी संख्या हो, बोले तो L=∞ हो, तो हम चाप की लंबाई को अनंत कहते हैं, ठीक है ना। आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग वगैरह नहीं है कुछ, लेकिन आप नॉर्मली लिखोगे, बेसिक जो भी आपको समझाया है इसको लिखोगे, आप बोल रहे हैं हम इसमें तभी लिखेंगे। माना कैपिटल एल एक सतत वक्र है, जो जो Z=XT+IωT, जहां T बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है, जो Z=XT+IωT, जहाँ T बिलोंग्स टू अल्फा बीटा है, जिसमें क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा के विभाजन बिंदु के विभाजन बिंदु अल्फा इक्वल टू T0 लेस देन T1 लेस देन T2 लेस देन T3
लेस देन टी एन, विभाजन बिंदु सेम लिख दो इस लाइन को, विभाजन बिंदु अल्फा बीटा इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कर दो और यहाँ से नहीं लिखें तो यहीं से लिख दो अल्फा बीटा इक्वल टू। देखिए एक काम करेंगे आप, यहाँ से लिखोगे बस अल्फा इक्वल टू टी जीरो लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी थ्री लेस देन टी एन इक्वल टू बीटा, ठीक है ना। यहाँ से विभाजन बिंदु अल्फा इक्वल टू टी जीरो लेस देन टी वन लेस देन टी टू लेस देन टी थ्री लेस देन टी एन इक्वल टू बीटा है, तब P इज इक्वल टू अल्फा बीटा, इसको लिखोगे P इज इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू टी जीरो कॉमा टी वन टी टू टी थ्री टी एन इक्वल टू बीटा, तब के बाद में लिखोगे तब P इक्वल टू P इक्वल टू अल्फा बीटा करली ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लिख दिया होगा, समृत अंतराल इसके बाद लिखो समृत, यानी ये P लिख दिया ना करली ब्रैकेट तक, इसके बाद कॉमा लगाओ और लिखोगे समृत अंतराल ए बी का, समृत अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है। अभी तो दो तीन मिनट बच रही होंगे शायद, क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन कहलाता है, अल्फा बीटा का विभाजन कहलाता है। आगे देखोगे इसमें एवं इसका केवा उपअंतराल एवं इसका केवा उपअंतराल टी के माइनस वन कॉमा टी के है, टी के माइनस वन कॉमा टी के है, नेक्स्ट लाइन से लिखोगे विभाजन का मानक, विभाजन का मानक और इसमें लिखेंगे विभाजन का मानक में उपअंतरालों की महत्तम लंबाई विभाजन का मानक कहलाती है। और इसे नॉर्म पी से व्यक्त करते हैं अर्थात करके लिखेंगे नॉर्म पी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ टी के माइनस वन कॉमा टी के माइनस वन माइनस टी के माइनस वन सॉरी नॉर्म पी इक्वल टू मैक्सिमम टी के माइनस वन, जहाँ जो k की वैल्यू है ना k इक्वल टू वन टू n है, कितना लिखना था ओके। ये हो गया विभाजन का मानक। अब आप क्या करेंगे इस क्लास को कल कंटिन्यू रखेंगे और इस क्लास में बस इतना ही रखेंगे, कुछ और भी रह गया अभी लिखाने के लिए।